चंपई सोरेन ने झारखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया। मीडिया से बात करते हुए नवनियुक्त सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए जो काम शुरू किया उसी को आगे बढ़ाना है। जो काम शुरुआत में जो किया है यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन ने रांची में अमर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नए सीएम ने सिद्धू कान्हू को नमन किया। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। के पाठक ने मुहर लगाई है। मार्च में शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा होगी, अगस्त में फिर शिक्षक बहाली फेज 4 की परीक्षा होगी, अगस्त में भी लगभग 1,00,000 सीटों के लिए विज्ञापन निकलेगा। किशनगंज में निरीक्षण के दौरान के पाठक ने इस बात की पुष्टि कर दी है, जिस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था। सबसे पहले मार्च में परीक्षा की न्यूज 18 ने ही जानकारी दी थी। वहीं गोपालगंज के बंजारी मोड़ में बेखौफ अपराधियों ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी में हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट का विरोध करने पर एक बैंककर्मी को गोली मार दी गई। घायल बैंककर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेखौफ अपराधियों ने श्रीराम फाइनेंस को इस बार निशाना बनाया है। हालांकि लूट में विफल हो गए हैं और लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी के जो कर्मी हैं, बबलू कुमार नाम के कर्मी, उनको पैर में गोली मार दी है। फिलहाल उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस वक्त गोपालगंज की पुलिस टीम श्रीराम फाइनेंस में पहुंच चुकी है। सदर SDPO भी यहां घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। हम SDPO से ही जानते हैं क्या पूरा मामला। सर, ये क्या पूरा मामला है? लगभग 4 से 5 के नंबर में अपराधी आए थे, जिन्होंने यहाँ पर लूटपाट के मंशा से इन्होंने ये कार्य किया था, जिसमें उन लोग सफल नहीं हो पाए तो एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है, जिसको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया है, वो खतरे से बाहर हुई है। और एक SIT का माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्र दिवस संबोधन में कैश के बारे में तो जैसा मैंने बताया, असफल लूट का प्रयास रहा है, अभी तक उतना कुछ जानकारी प्राप्त नहीं। जिन्हें गोली लगी है उनकी क्या स्थिति है? खतरे से बाहर है, पैर में गोली लगी। तो पुलिस टीम इस वक्त पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि राहत की बात है कि जिन्हें गोली लगी है उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।